दुनिया के सबसे विचित्र इंसान जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 5, फिलिप एलिंग। फिलिप डूइंग नाम का ये शख्स मांसपेशियों की एक दुर्लभ बीमारी के साथ पैदा हुआ था। बेथेल म्योपैथी नाम की इस बीमारी में कंकाल की मांसपेशियां और कनेक्टिव टिश्यू गंभीर रूप से प्रभावित हो जाते हैं, जिससे मांसपेशियों में धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है। इसी कारण से फिलिप्स की अंगुलियां, कोहनी और टखना बेहद कमजोर है। इस बीमारी की वजह से ही मात्र 5 साल की उम्र से फिलिप को कहीं भी आने जाने के लिए व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि 31 वर्ष के फिलिप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और ये उस वक्त सुर्खियों में आए जब इनकी शादी का वीडियो वायरल हो गया था। दरअसल 27 जनवरी 2018 को इनकी शादी केन्या की रहने वाली सुसान नाम की लड़की से हुई, जिसमें इनके डांस का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिस पर लोगों ने बेहद ही नकारात्मक टिप्पणियां की। ज्यादातर लोग इनके वीडियो पर यही कमेंट कर रहे थे कि सुजान ने फिलिप से शादी उसके पैसे के लिए की है। लेकिन लोगों की गलत सोच की परवाह नहीं करते हुए ये जोड़ा अब सुकून से अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा है। नंबर 4, एलिजाबेथ बेट्सी बॉन्ड। एलिजाबेथ बॉन्ड वाइल्डशायर यूके में रहने वाली एक आर्ट स्टूडेंट है, जिसके नाम दुनिया में सबसे बड़ी सुइयों से बुनाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एलिजाबेथ ने बुनाई के लिए 4.42 मीटर यानी कि 14 फीट 6.33 इंच लंबी सुइयों का प्रयोग किया था। इन सुइयों का व्यास 9.38 सेंटीमीटर यानी कि 3.54 इंच था। इतनी बड़ी सुइयों को बनाने के पीछे अवधारणा, शिल्प और पारंपरिक कौशल को एक नई दिशा देना था। एलिजाबेथ का कहना था कि इतनी बड़ी सुइयों को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन इनसे बुनाई करना वाकई में बेहद मुश्किल काम था। लेकिन एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। नंबर 3, लैम्फ्रेसी नुआन। थाईलैंड की 46 वर्षीय लैम्फ्रेसी नुआन नामक महिला ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक से मदद की गुहार लगाई है। असल में कुछ महीने पहले उनके स्तन यानी ब्रेस्ट का साइज अचानक बढ़ने लगा, जिससे वो कोई भी काम करने में असमर्थ हो गई है और अब तो वो बिना सहारे के चलने फिरने में भी असमर्थ है। थाई मीडिया ने हाल ही में लैम्फ्रेसी नुआन के केस को प्रमुखता से दिखाया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने इस रहस्यमय कंडीशन के इलाज के लिए डॉक्टरों को कंसल्ट किया है। हालांकि डॉक्टरों ने कैंसर ट्यूमर होने की संभावना से इनकार किया है, लेकिन वे इस कंडीशन का कारण ढूंढने या इसका इलाज करने में असफल रहे। लैम ने पब्लिक से फाइनेंशियल हेल्प का अनुरोध भी किया है ताकि वो अपना इलाज करवा सके। नंबर 2, जॉन पैक। 31 साल के समुद्री सार्जेंट जॉन पैक वर्ष 2010 में क्वाड एम्प्यूटी बनने के बाद अफगानिस्तान में अपनी ड्यूटी के दूसरे दौरे पर गए थे। लेकिन इस दौरे पर जॉन पैक का जीवन एक पल में तब बदल गया था जब उन्होंने एक विस्फोट को ट्रिगर करते हुए आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस पर कदम रख दिया था, जिसकी वजह से इस हादसे में उसने अपने दोनों पैर और दोनों हाथों का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। धमाके के बाद 2 महीने तक जॉन पैक वॉशिंगटन डीसी के वॉल्टर रीड आर्मी मेडिकल सेंटर में भी रहे, जहां उनकी 2 दर्जन से अधिक बार सर्जरी की गई। लेकिन इस घटना के थोड़े दिनों बाद में ही जॉन पैक एक फ्लैश ईटिंग फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो गए और इससे निपटने के लिए और जीवन को बचाने के लिए अंगों को कटवाने के सिवाय जॉन पैक और डॉक्टर्स के लिए कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं। इसीलिए एक अस्पताल द्वारा उनके हाथ प्रत्यारोपण का फैसला किया गया। वर्तमान में जॉन पैक अपनी वाइफ जेसिका के साथ मिलकर बायोग्राफी लिख रहे हैं। नंबर 1, जेसन रोड्रिग्यूज हर्नांडेज। अक्सर कहा जाता है कि रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी होते हैं जिनको तोड़ना किसी के भी बस की बात नहीं होती। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला के रहने वाले जेसन रोड्रिग्यूज हर्नांडेज की, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े पैर होने की खातिर इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। केवल 10 साल की उम्र में जेसन को इस बात का एहसास तब हो गया था जब उन्होंने नोटिस किया कि फैमिली मेंबर्स में से इनके पैर सबसे बड़े हैं। इसके बाद से जेसन के पैरों में निरंतर बढ़ोतरी होती रही और वर्ष 2014 में गिनीज बुक की तरफ से ये ऐलान किया गया कि उनके पैर दुनिया में सबसे बड़े हैं। हालांकि इसके बाद भी इनके पैरों की लंबाई में वृद्धि रुकी नहीं और जब ये वर्ष 2018 में 22 वर्ष के हो चुके थे
तब इनके दाहिने पैर की लंबाई 40.55 सेंटीमीटर और बाएं पैर की लंबाई 40 मीटर 47 सेंटीमीटर हो गई थी। इतना ही नहीं, 7 फीट की लंबाई के साथ जेसन वेनेजुएला के सबसे लंबे इंसान होने का गौरव भी अपने नाम रखते हैं। हालांकि इतने रिकॉर्ड्स होने के बावजूद भी जेसन का इंटरेस्ट दुनिया का बेस्ट पेस्ट्री शेफ बनने का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेसन के लिए जूते भी जर्मनी के रहने वाले शूमेकर जॉर्ज वेसल्स डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ साहसी और विचित्र इंसान। आपको इनमें से किस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।